जो ट्रैप है वो हमें पूरी तरीके से घेर लेता है और अब हमें और चाहिए होता है फिर और चाहिए होता है एंड वो कभी खत्म ही नहीं होता है ना तो ये जो चैप्टर है इसको फेरी टेल मैनर के अंदर नरेट किया है और इसे नरेट किया है सेलमा लेगर ने तो जल्दी से सेलमा लेगर ओपी कर दीजिए गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर तो जल्दी से सलमा लेगर लॉफ ओपी करेंगे सलमा जी ऐसी दिखती हैं और उन्होंने पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही कमाल तरीके से फेरी टेल मैनर के अंदर नरेट करके हमें बताया है ताकि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें तो हमें भी वही वाली फीलिंग आए कि एक समय की बात है एक राजकुमारी हुआ करती थी

ओके okay. अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार यू you नो know, ये जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं देखो बच्चों सबसे पहला तो यहां पर जो कैरेक्टर है वो है हमारा रैट सेलर ठीक है तो ट्रैप सेलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो हमारे चैप्टर का प्रोटेगनिस्ट है उसी के अराउंड पूरा चैप्टर जो है वो रिवॉल्व होता है अच्छा इसका कोई और नाम नहीं है इसे कभी वैगाबॉन कभी ट्रैम्प ठीक है तो ऐसे करके बुलाया है पर इसको कोई नाम नहीं दिया है यहाँ पे अच्छा इसके बाद में चैप्टर के अंदर जिसकी एंट्री होती है वो है क्रॉफ्टर ठीक है तो एक क्रॉफ्टर की एंट्री होती है यानी एक ऐसा इंसान जो कि जमीन पे काम करता है मजदूरी करता है पर अब बुढ़ापे की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है और इसीलिए उसकी मदद कर रही है उसकी गाय उसके सर्वाइवल में ऐसा होता है ना लोग अभी नहीं डे लेबर कर पा रहे हैं तो अभी क्या करते हैं डे लेबर नहीं कर पाते हैं तो फिर अः जैसे मान लो गाय या बाकी सारे यू नो पेट्स रख लेते हैं गाय का फायदा ये होता है कि ठीक है अगर आपने गाय रख लिया है तो आप उसका मिल्क जो है वो क्रीमरी में बेच सकते हो जैसे कि ये क्रॉफ्टर भी करता है। right, इसके बाद में हम थोड़ा आगे जाएंगे स्टोरी के अंदर तो हमें एक ब, दो तो अप्रेंटिस छोटू देखने को मिलने वाला है तो ये बहुत छोटू हैं दोनों ही आ, इसके बाद में जो बड़ा कैरेक्टर आपको यहां देखने को मिलेगा वो है आयन मास्टर का बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरी स्टोरी है ये स्टोरी फॉरेस्ट एंड मिल के अंदर सेट की गई स्टोरी है तो यहाँ पर एक आयन मास्टर भी है जो कि हमारे इस चैप्टर के रैमजो आयन वर्क्स के मालिक हैं तो चैप्टर के अंदर रैमजो आयन वर्क्स करके एक आयन वर्क्स है जहां पर आयन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और से एंड उसे शेप में डाला जाता है और उसके मालिक हमारे आयन मास्टर हैं इसके बाद में हमें दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस इस पार्ट में के देखने को मिलने वाली हैं एडला विलमैनसन ठीक है तो एडला विलमैनसन हमें यहां पे देखने को मिलने वाली है अब एडला विलमैनसन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेस नहीं दिखती है वहां से स्पेस दिख रही होती है एनीवे एडला की अगर हम बात करते हैं तो एडला बहुत ही कमाल की कैरेक्टर है इनफैक्ट हमारा पूरे चैप्टर का थीम जो है वो उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा क्योंकि ये बहुत ही मॉडस्ट है बहुत ही कंपैशनट है बहुत ही काइंड uh, है uh, मतलब शाई है उतनी ब्यूटीफुल नहीं है बट बहुत ट्रस्ट करती है लोगों पे प्यार दिखाना जानती है काफी अंडरस्टैंडिंग नेचर की है ऑल राइट right, तो अभी मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया है थीम हम लास्ट में जरूर डिस्कस करने वाले हैं ताकि से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए तो चैप्टर हम करते हैं शुरू चैप्टर की की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एक बार की बात है एक है इंसान और वो इंसान क्या करता है दर बदर भटकता फिरता है रैट ट्रैप्स बेचता हुआ अब वो रैट ट्रैप्स बेचता रहता है जो कि यूरो ने भीख मांग मांग के स्टोर पे मान लो कहीं पर भीख मांग ली पे कहीं भीख मांगी और वहां से भीख मांग के कलेक्ट किए हुए मटीरियल से

पूरा गुजारा होता है अब आप देख सकते हो कि इसकी हालत इतनी खराब है तो इसके कपड़े भी बहुत ही ज्यादा फटे पुराने हैं इसके गाल जो है वो पूरी तरीके से अंदर दब चुके हैं ठीक है इसकी आंखें बाहर निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी आंखों के अंदर एक भूख है महसूस हो रहा है कि ये स्टाफ है बहुत ही ज्यादा भूखा है तो ये रैट सेलर जो है ये हम लोगों को एक यू नो एक वैगाबॉन्ड का अपियरेंस दिखाता है दिखाता है जैसे कुछ बेघर लोग होते हैं ना बेचारे बदर भटकते रहते हैं exactly वैसा ही इसका अपियरेंस है अब बच्चों ये तो हो गई इसकी अपीयरेंस की बात अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे इसकी ज़िंदगी भी बहुत ही ज़्यादा सैड और मोनोटनस है अब बेचारा इंसान जिसका कोई घर बार नहीं है कोई परिवार नहीं है कुछ भी नहीं है उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सैड है यार मतलब लाइफ में तड़का डालने वाला कोई है ही नहीं इसके पास में सारे के सारे लोग जो हैं Uh, जैसे मान लो कोई आकर थोड़ा सा जेलस फील कराया अरे मेरे चुन्नू के तो इतने मार्क्स आए हैं कोई है ही नहीं इसको इतना चिढ़ाने वाला जेलिस फील कराने वाला तो लाइफ काफ़ी सैड और मोनाटनस है और इतनी सैड और मोनाटनस जिंदगी के साथ में ये बस दर बदर भटकता फिरता है और अपनी ही बातों के अंदर अपनी बातों में सोचता रहता है अपनी बातों में गुम रहता है एक्चुअली ये हमें बताता है कि किस तरीके से इसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है इसके थॉट्स को शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है अब ऐसे में एक दिन अपने थॉट्स में उलझा हुआ ये एक बार एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में सोचता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो जो ख्याल है वो ख्याल उसे काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है और वो ख्याल होता है अफकोर्स ट्रैप्स के बारे

एक्चुअली दुनिया के साथ रिजेंबल करता है वो कहता है कि पूरी की पूरी दुनिया जिसमें आप इतना ज़्यादा ऐशो आराम देखते हो इतनी खूबसूरती देखते हो आप देखते हो इतनी सारी टेम्टेस हाँ लैंड एंड सी और ये सब कुछ सिटीज़ एंड विलेजेस ये सब कुछ और कुछ नहीं है सिवाय ट्रैप के ठीक है ये और कुछ नहीं है सिवाय ट्रैप के, सिर्फ सिर्फ के लिए, और एक बार के लिए जाते हैं, तो फिर वहां पे हमारा कहानी जो है वो खत्म हो जाती है बिकॉज फिर हम इस ट्रैप से कभी भी बाहर निकल नहीं सकते तो ये पूरी की पूरी दुनिया हम लोग के लिए बेट्स से सेट करती है रिचेजॉय शेल्टर फूड हीट क्लोदिंग इन सब के रूप में जैसे हम लोग चूहे दानी के अंदर चूहे के लिए रोटी लगाते हैं चीज लगाते हैं पोख लगाते हैं इस तरीके से ये पूरी दुनिया भी हमारे लिए रिचेज जॉयस, शेल्टर्स फूड हीट क्लोदिंग ऑफर करती है जिनकी तरफ अट्रैक्ट होके हम फंस जाते हैं इसके बाद में यहाँ पर हमने देखा कि ऑफकोर्स ये ऐसी बातें इसलिए सोचता था क्योंकि दुनिया कभी भी इसके लिए इतनी अच्छी तो रही नहीं थी हमेशा से दुनिया इसके लिए अनकाइंड रही थी जिसकी वजह से इसे एक अजीब सी खुशी मिलती थी दुनिया के बारे में बुरा बुरा सोचकर उसके लिए ये एक चेरिश्ड पास टाइम बन गया था यानी कि उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था कि बस मैं तो अभी फ्री टाइम के अंदर यही सोचूंगा दुनिया के बारे में भला बुरा सोचता रहूंगा अब वो सोचते सोचते इनफैक्ट यहाँ तक सोच लेता था कि कौन कौन इस दुनिया के अंदर ऐसे ट्रैप के अंदर फंस चुका है यानी कि कौन कौन है जो कि दुनिया में उन बेट्स के लालच के अंदर पड़कर ट्रैप में फंस चुका है और कौन कौन है जो उन बेट्स के अराउंड अभी भी रिवॉल्व हो रहा है और फंसने वाला है तो ऐसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज फिल्म स्टार्स मूवी स्टार्स जो भी है मतलब उनके बारे में ये सोचता रहता था अब ये सोचते सोच सोचते यूं ही भटकते भटकते एक रात की बात है जब क्या करता है एक यू नो भटकते भटकते रोड पे एक ग्रे कॉटेज इसको दिखता है और ये जो ग्रे कॉटेज है इस ग्रे कॉटेज पे ही जाता है और जाकर वहां पर ये नॉक करता है नॉक करता है ये सोच के कि यार क्या पता मुझे ये लोग अंदर आने दे कॉटेज में रहने वाले लोग जो है वो आज रात रात यहाँ पर रहने थे अब यार नॉर्मली ये जब भी किसी के घर जाता है तो सारे के सारे लोग इसे ये कहकर भगा देते हैं अरे जा जा छुट्टे नहीं है अरे नहीं नहीं पागल है क्या तेरे को घर पे कौन रखेगा भाग यहाँ से तो सारे लोग इसे सार फेसेस देते हैं मुंह बनाते हैं और यहां से भेज देते हैं पर आज जिस ग्रे कॉटेज में ये आया है जिस ग्रे कॉटेज पे इसने नॉक किया है ये ग्रे कॉटेज डिफरेंट है क्योंकि यहां पर एक ओल्ड मैन ने दरवाजा खोला है और ये जो ओल्ड मैन है ये ओल्ड मैन का ना तो वाइफ है और ना ही तो, ना तो इस बंदे की कोई बीवी है ना बच्चे हैं ये बंदा भी अकेला है तो इसने सेलर को भेजा नहीं जबकि इस ये तो खुश हो गया ये देखकर बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह आज घर पर कोई आया है वो खुश हो गया और इतना खुश हो गया कि तुरंत उसने क्या कर दिया पॉरिज पॉट को चूल्हे पे लगा दिया मतलब तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया और आते ही गरम गरम पॉरिट जो है वो अपने गेस्ट को खिलाई ना तो सिर्फ उसने उसे खाना खिलाया बट इसके साथ में एकदम बड़ा सा बड़ा सा टबैको का पीस काव करके तोड़ के उसने निकाल के दिया रोल के लिए कि आराम से खाना खा लिया अब तू कैंसर ले <laughs> क्योंकि अब उसने आराम से उसके साथ बैठ जी भर के स्मोक किया अब इतना भी हो गया था तो भी उसको ऐसा लग रहा था और क्या करूं हॉस्पिटैलिटी में मेहमान नवाजी में तो उसने क्या किया पुराना मेओलिस का पड़ा हुआ कार्ड का वो था तो उसको निकाल के लेके आया पैक को और फिर पूरे टाइम कार्ड्स खेले पूरे टाइम वो लोग उसके साथ मेओलिस खेलने लगे तो यहाँ पर ना तो सिर्फ उसने उसको खाना खिलाया उसके साथ में स्मोक किया बट इसके साथ में उसका टाइम पास करने के लिए यहाँ पे ताश भी खेला अब यार ये इतना जेनरस है इतना ज्यादा दिलदार है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कितना भला इंसान है कितना भोला इंसान है आप बिल्कुल सही सोच रहे हो क्योंकि ये इतना जेनरस इतना दिलदार सिर्फ और सिर्फ अपने खाने या टबैको को लेकर नहीं था इनफैक्ट इसने ये दिलदारी अपने सीक्रेट्स को लेकर भी दिखा दी थी इसने रैट्रैप सेलर को बताया कि अपने जवानी के टाइम पे ये लैंड पे काम किया करता था और अब क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है ये लैंड पे काम तो नहीं कर सकता तो ऐसे टाइम में उसकी गाय उसे सपोर्ट करती है क्योंकि वो इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि वो रोज क्रीमरी के लिए दूध दे देती है और पिछले महीने तो उसने उसका दूध बेच के थर्ट कमाए हैं थर्टी क्रॉनर अब बच्चे क्या करते हैं थर्टी क्रॉनर को फटाफट से आई में कन्वर्ट करके आ जाते हैं है? स्टोरी है, स्टोरी है। उसमें है, उस मिलेगी जब पचास पचास रुपए में लैंड मिल जाया करती होंगी है ना तो उस टाइम की वैसे उस जमाने की स्टोरी है तो थर्टी क्रॉनर भी बहुत बड़ी चीज होती थी अब ये थर्टी क्रॉनर की बात सुनते ही तो रा खड़े हो जाते हैं, वो ऐसा सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है उसकी शक्ल पे ऐसा इनक्रेडिलिस क्या उसकी शक्ल पे ऐसा इनक्रेडिलिस लुक देखकर यहाँ मिल जाएगा ये देखो यानी कि उसको बिलीव नहीं हुआ तो उसकी शक्ल पे ऐसा कंफ्यूज लुक देखकर हमारा क्रॉफ्टर सोचता है यार रुक तेरे को दिखाता हूं मेरे थर्टी क्रॉनर और फटाक से जाता है और जाकर थर्टी क्रॉनर लेकर आता है उसने ये थर्टी क्रॉनर याद है पता है कहां पे रखे हुए थे पास में विंडो थी विंडो के पास में कील के कील पर पाउच टंगा रखा था उसमें इसने तीस क्रॉनर रखे हुए थे अल्ट्रा प्रो मैक्स तिजोरी anyway, तो वहां से ये प्रोमैक्स लेकर आया और आकर उसको दिखा दिया ये देख, ये देख रहा क्रॉनर तो उसने दिखा दिए वापस से ये पैसे उसने उस पाउच में डाले और डालकर उस पाउच को वही टंगा दिया अब यार ये टाइम तो हमारा आराम से चला जा रहा है बढ़िया हमारे रेटराब सेलर को उसने अच्छे से रखा अपने सीक्रेट्स भी बता दिए दोनों आप सोने चले गए अब जैसे ही दोनों चले गए तो अभी सुबह होती है जल्दी उठते हैं वो चला जाता है हमारा क्रॉफ्टर चला जाता है गाय का दूध निकालने के लिए और फिर दूध बेचने के लिए और इधर रैट रैप सेलर भी अपने रास्ते चला जाता है थैंक यू बोलकर अब इतना टाइम ये जो है मतलब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से गुजरा भी नहीं था कि तीस मिनट के अंदर अंदर मिनट अंदर अंदर हमारा सेलर जो है वापस आ जाता है ठीक है वापस आ जाता है और वापस आकर एकदम से वो ताला वाला नहीं तोड़ता एकदम से विंडो के पास जाता है विंडो पेन को स्मैश करता है पाउच निकालता है पाउच में से तीस क्रॉनर निकाल के जेब में डालता है और चल बनता है बस वहां से निकल जाता है अब इसके बाद में ये पैसा लेकर अपने पॉकेट में ठूस के यहाँ से निकल जाता है और सोचता है यार अगर मैं मेन रोड से गया अगर मैं पब्लिक रोड से गया तो मुझे पुलिस पकड़ सकती है तो ऐसे में वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं जंगल में चला जाऊं अगर मैं जंगल चला जाऊंगा, तो वहाँ पे मेरे को पुलिस नहीं पकड़ेगी क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं है कि मैं कहा हूँ वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और ये सोचकर वो एक जाल में फंस जाता है क्योंकि जिस जंगल के अंदर वो जाता है वो जंगल बहुत ही घना जंगल होता है शुरुआती टाइम में शुरुआती टाइम के अंदर जब वो यहाँ पर चल रहा होता है तो उसे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता इनफैक्ट उसे अच्छा लग रहा होता है अपनी स्मार्टनेस पे बड़ा खुश फील कर रहा होता है पर जैसे जैसे वो जंगल बहुत कंफ्यूज उसे करने लगता है जैसे जैसे वो जंगल जो है वो एकदम डरावना होने लगता है शाम होने लगती है वो डरने लगता है उसको रियलाइज होता है कि वो तो जंगल में बस एक ही एक जगह पे घूमे जा रहा है एक ही एक जगह पे घूमे जा रहा है उसे कोई और रास्ता मिल ही नहीं रहा वो समझ जाता है कि वो जरूर एक ट्रैप में फंस गया है उसे ये तीस क्रॉनर चुराने ही नहीं चाहिए थे अब क्योंकि उसने ये तीस क्रॉनर चुरा लिए हैं अब वो कभी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा उसे लगता है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट अपने ट्रंक्स अपने ब्रांचेस अपने टिकट सबके साथ में झाड़िया पेड़ इन सबके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक इम्पेनेटरेबल प्रिजन है यानी एक ऐसा प्रिजन एक ऐसा जेल जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते ठीक है तो उसने बोला कि ऐसा प्रिजन है और अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता ऑलरेडी दिसंबर का टाइम था ठंड बहुत ज्यादा थी अफकोर्स यहाँ पर आ, अंधेरा हो रहा था उसे और ज्यादा डर लगने लगा उसे तो लगा बस उसकी अब मौत पास में आ चुकी है वो भयंकर थक गया था और जमीन पर गिर गया अब जमीन पे गिरते ही उसे आवाज सुनाई देती है रेगुलर थंपिंग की रेगुलर थंपिंग की आवाज यानी कि उसे ठक 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 करने की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि जरूर आसपास कोई है ये आवाज तो किसी मिल से आ रही है तो अपनी पूरी ताकत समन करके अपनी पूरी ताकत को समन करके यानी इकट्ठा करके वो वहां से चला चाल, चला जाता है उस आवाज के डायरेक्शन में अब ये आवाज कहां से आ रही थी बच्चों ये आवाज आ रही थी रैमजो आयन वर्क से रैमजो आयन वर्क एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर आयन वर्क है जो कि अभी इस समय पे अगर हम देखें तो क्लोज हो चुके हैं बट यू नो इट्स लाइक रैमजो आयन वर्क जब काम करता है तो सबको पता होता है कि ये एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको ना बड़ा सा प्लांट दिखेगा एक स्मेल्टर है रोलिंग मिल है फौज है सब कुछ है ये सारी वो चीजें है जिनसे आप और से आयन को अलग करके उसे आप भट्टी में डालोगे गर्म करोगे फिर उसके बाद में में आप उसको क्या कर दोगे शीट्स कन्वर्ट करने वाले हो तो इस सारे के सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें समर्ज में क्या होता था हमेशा रॉ मटीरियल आता था तो समर्ज में रॉ मटीरियल आ जाएगा ठीक है समर्स के अंदर बाजेज एंड स्काउस मतलब चपटी बोट्स होती है ना एकदम चपटी नीचे से फ्लैट बोट्स होती हैं तो फ्लैट बोट्स के अंदर सारा रॉ मटेरियल आया करता था और विंटर्स में फाइनली इसमें काम चला करता था तो समर्स में रॉ मटेरियल आता था और विंटर्स के अंदर शिफ्टिंग का प्रोसेस चलता था आयरन को बना के और फिर फाइनली मार्केट में बेचने का टाइम विंटर्स में आ जाया करता था और अभी आपको पता है दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर चल रहा है तो नेचुरली यहाँ पर काम चल रहा होगा तो अभी हम देखते हैं कि रामजो आयरन वर्क्स के अंदर क्या है हमारा एक ब्लैकस्मिथ और ब्लैकस्मिथ के साथ में छोटू यानी के जो अप्रेंटिस है वो काम कर रहे होते हैं उन्होंने क्या किया होता है भट्टी के अंदर कुछ आयरन रखा होता है और टाइम टू टाइम जाकर वो उस आयन को चेक कर रहे होते हैं कि भाई चलो देख लेते हैं तैयार हो गया क्या अच्छा तैयार हो गया क्या अब वो जितनी बार उस भट्टी के पास जाते हैं उस आयन को एकदम एक बड़ी सी रॉड से थोड़ा सा हिलाते हैं और वापस आते हैं उतनी बार एकदम पसीने से लत पत होकर आते हैं एंड दैट इज वाई इन्होंने अपने ट्रेडिशनल ब्लैक स्मिथ कपड़े भी पहने हुए हैं बड़ा सा सिर्फ एक शर्ट पहना हुआ है नीचे वुडन शूज पहने हुए हैं एंड दैट्स इट ठीक है तो ये बेचारे बार बार अपना ये काम कर रहे होते हैं आयन को देख रहे होते हैं अब बच्चों यहाँ पर ये यह जो पूरा फौज है यानी कि जो आयन को प्रिपेयर करने की पूरी जगह है यहाँ पर अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं मतलब आपको इतनी आवाज़ें इस टाइम पर सुनाई दे रही होती हैं कि इन आवाज़ों के बीच में किसी का आना सुन पाना तो बहुत मुश्किल है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है किस तरीके से आप है ना फूकनी की आवाज आ रही होती है आप देखते हो कि यहाँ पर जो कोल है उसकी एकदम ऐसे ना क्रैक करने की आवाज आ रही होती है हम देखते हैं कि यहाँ पे फायर बॉय जो है वो कुछ चाकू लेकर आया है उसने भट्टी के अंदर वो डाला है तो उसमें गुड़गुड़ गुड़ 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 उनके गुड़ गुड़ की आवाज आ रही होती है ठीक है इसके बाद में बाहर वाटरफॉल वॉटरफॉल है वॉटरफॉल की भयंकर आवाज फिर वाटरफॉल से हवा के जरिए जो बारिश आती है और छत पे गिरती है उसकी अपनी अलग आवाज आ रही है इतनी सारी आवाज़ें यहाँ पर आ रही होती है कि इन्हीं आवाज़ों के बीच में ब्लैक स्मिथ शायद देख ही नहीं पाता सुन ही नहीं पाता कि यहाँ पर उसके आ, इसमें फौज के अंदर एक इंसान आ चुका है तो उसने अभी नोटिस किया इस इंसान को यानी उसने नोटिस किया हमारे ब्लैक्स में ये रेट्राप सेलर को ओनली व्हेन वो इतना करीब आ गया था फर्नेस के इतना करीब आ गया था फर्नेस के, के ब्लैक स्मिथ के साथ में ही खड़ा था मतलब अभी यहां पर वो ब्लैक स्मिथ के पास में खड़ा हुआ हाथ सेक रहा है तब जाके ब्लैक स्मिथ का ध्यान उस पर गया और ब्लैक स्मिथ ने रियलाइज किया कि फौज के अंदर कोई आ गया अदरवाइज तो so आप ये सोचो कि आवाजों की वजह से उसे सुनाई भी नहीं दे रहा था एनीवे anyway, वो सोचता है कि यार ऑफकोर्स कोई भी गरीब इंसान इतनी भरी ठंड में बाहर बारिश हो रही है इतनी रात के अंदर ऐसी जगह पे अट्रैक्ट हो ही जाता है ऐसी जगह से अट्रैक्ट होना बहुत ही यूज़ुअल बात थी कि ठीक है यहाँ पर बहुत ऐसे आग है तो थोड़ा गर्म रहेगा इसके साथ में रहने की जगह है तो आराम से सो जाएगा रात भर का गुजारा हो जाएगा और सुबह निकल जाएगा तो इसीलिए उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने भी क्या किया उसने भी उसको अलाउ कर दिया वहां पर रहने के लिए वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा ज्यादा एरोगेंट था इसीलिए उसने उससे बातचीत नहीं की बट हमारे राट्रैप सेलर, सेलर भी वहां से एकदम आराम से उसकी कंसेंट लेकर उसकी कॉन्सेंट लेकर और सो गया ठीक है अब यहाँ पर जैसे ही वो यहाँ पर सो जाता है एकदम बढ़िया तरीके से तो यहाँ एंट्री होने वाली है हमारे आयन मास्टर की बच्चों उन दिनों के अंदर क्या होता था एक आयन मास्टर बहुत ही जाना माना आयन मास्टर जो है वो रेमजो आयन वर्क्स को ओन करता था वो जो आयरन मास्टर है उसका सिर्फ़ एक ही ख्वाब था और वो ख्वाब था कि मार्केट में गुड क्वालिटी आयरन ही जाना चाहिए और इसी वजह से वो हमेशा सुबह शाम जाता और जाकर इंस्पेक्शन किया करता कि यार जो आयरन है मार्केट के अंदर जो जा रहा है उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं हो रही है हमारे लोग अच्छे से काम तो कर रहे हैं ना और इसी वजह से अभी शाम को वो इंस्पेक्शन के लिए आया था और उसने वो नहीं किया जो ब्लैक स्मिथ ने किया उसने इग्नोर नहीं किया उस रैट ट्रैप सेलर को इनफैक्ट वो रैट्रैप सेलर के करीब गया और पास में जाकर उसने देखा पास में जाकर उसने देखा कि ये कौन है और एकदम गौर से कि भाई ये एकदम फटे पुराने कपड़े पहनकर एकदम भट्टी के अंदर घुसकर कौन सो रहा है इतना ज्यादा भट्टी की तरफ जाकर ये सोच चुका है कि इसके जो गीले कपड़े हैं उनमें से भापे निकलने लग गई हैं तो वो जाकर वहां पर देखता है और देखकर वो कंफ्यूज कर लेता है हमारे रेट्रैप सेलर को अपने एक दोस्त के साथ में वो कंफ्यूज कर लेता है उसे नील्स अलोफ के साथ में उसे ऐसा लगता है कि ये रैट्रैप सेलर उसका खोया हुआ दोस्त है ये रैट्रैप सेलर नील्स अलोफ है अब यार यहाँ पे रैट्रैप सेलर ने तो इस आयन मास्टर को इतने टाइम में कभी देखा तक नहीं था ठीक है बट उसके बावजूद भी रैट्रैप सेलर ने मना नहीं किया रेट्राफ सेलर उसकी हाम में हा मिलाता गया तो हा मैं नील्स अलॉफ हूँ ऐसा इसके लिए था क्योंकि उसने सोचा कि इतना बड़ा इंसान इतना प्रोमिनेंट इंसान अगर मुझे अपना दोस्त मान रहा है तो मुझे इस हालत में देखकर जरूर कुछ ना कुछ पैसे मुझे देकर चला ही जाएगा मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे पर उसे क्या पता था कि वो एक जाल में फंसने वाला था तो एकदम से उसने बोला बोला अरे ये तो तुम हो नील जलोफ हाँ ये तुम कैसे दिखने लग गए हो तो अभी यू नो वर्क्स के मालिक ऐसा बोल रहा था तो अभी मना नहीं किया हमारे सेलर ने वो मतलब ऐसे इशारे कर रहा था कि हाँ वो समझ रहा है वो पहचान रहा है इसको बट देन इसके बाद में इसके बाद में उसने सवाल पूछा उसकी अपियरेंस को देखकर कर क्योंकि वो बहुत ही डर्टी बहुत ही शैपी दिख रहा था तो उसने बोला अरे उसने पहले हमारे रैट्रैप सेलर ने जवाब दिया कहता है यस गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी हे भगवान भगवान जाने मेरे साथ में तो बहुत बुरा हो गया मेरी तो किस्मत खराब हो गई तो मेरी किस्मत खराब निकल गई तो मतलब चीजें बहुत ही बेकार चल रही हैं तो उसने बोला यू शुड नॉट हैव रेजिग्न्ड फ्रॉम द रेजिमेंट उसने बोला यार तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था अब भी जा रहा राट्राफ सेलर तो कहानी में बस ब्लैंक्स भरे जा रहा है वो कहता है अच्छा मैं रेजिमेंट से रिजाइन कर लिया कहता है हाँ हाँ मुझे रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था अगर मैं अभी भी वहाँ काम कर रहा होता तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता बोला कोई बात नहीं अब जो हो गया वो हो गया अब तुम तो मेरे साथ में मेरे घर चलोगे अब जैसे ही ट्रैप ने ये चीज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा चौक गया उसे तो ये लगा कि भाई इसके साथ इसके घर जाना अपने आप को शेर के सामने एकदम खाने के लिए प्रस्तुत करने के समान है तो उसने कहा कि वो तो नहीं चलेगा अब वो मना करता गया करता गया करता गया तो आयन मास्टर को लगा कि जरूर बेचारे को शर्म आ रही होगी आयन मास्टर ने कहा ऐसे शर्म बरम आने की कोई बात नहीं है मेरा घर को इतना भी अच्छा नहीं है अब देखो मेरी बीवी तो मर चुकी है मेरे लड़के जो हैं वो बाहर रहते हैं मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ रहता हूँ और हम सोच रहे थे कि यार कोई क्रिसमस पे होता तो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का मज़ा ही अलग होता अब तुम हमारे साथ में आ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा क्रिसमस का खाना दोनों मिल के कर जाएंगे पर हमारा जो राटराब सेलर था वो सख्त था वो कहता नहीं 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 मैं तो बिल्कुल भी मैं तो आपके साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा अब बेचारा एन मास्टर हार मान के से चला जाता है अब थोड़ी देर के बाद में वहां पर कैरेज रुकता है और यहाँ से निकल कर आती है एडला विलमैनसन एडला विलमैनसन जिसके अंदर ज्यादा कह सकते हैं बेटर परजुवेशन स्किल्स है वो शायद ज्यादा बेटर तरीके से आ, मना सकती है तो वो यहाँ पर आ जाती है और आकर एकदम सीधा ट्रैप सेलर के पास जाती है अब जाते हैं इन, आपको इनके बारे में बताया था कि ये ना बहुत ही मॉडस्ट हैं बहुत ही शायद है उतनी ज्यादा तो तो खूबसूरत नहीं है तो बस वैसे ये चली जाती है यू नो इसके पास में रातराब के पास में जाती है और जाकर उसकी टोपी हटाकर और उसको सबसे पहले तो सॉरी बोलती है कहती है आई एम सो सॉरी आपके साथ में इतना बुरा बुरा सब कुछ हो ही जा रहा है हम्म आपकी किस्मत इतनी खराब हो गई है भगवान भी ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का टेस्ट लेता है ऐसे करके उसको थोड़ी सी काइंडनेस दिखाती है और जैसे वो ये ये, ये चीज़ बोलती है वो अपना यू नो जो पॉइंट है वहाँ पर आने का जो मकसद है वो भी सामने रखती है कहती है देखो मैं आपको यहाँ पर क्रिसमस के लिए बुलाने आई हूँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ और मेरे मेरे पापा के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करो अब यार जब वो बात कर रही होती है ना तो वो नोटिस करती है कि हमारा जो आयन हमारा जो राइटराफ सेलर है वो रेट्राफ सेलर ना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा मतलब ना या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ना मतलब इसके पीछे पुलिस पकड़ी है पड़ी है हंड्रेड परसेंट क्योंकि ना ये इसकी आंखों से महसूस हो रहा है कि ये बड़ा डरा हुआ है तो वो ये रियलाइज कर लेती है और रियलाइज करके वो एकदम से कहती है कहती है कि ना मेरे को ऐसा लग रहा है आ, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने विल से ना जा पाओ आप ऐसा मत सोचो आप जितने अपने मन से अपनी इच्छा से आओगे हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने उतनी ही अपनी इच्छा से आप जा सकते हो और जब चाहो तब चले जाना की बात ये सुन के एकदम से इम्प्रेस हो जाता है हमारा रैट ट्रैप सेलर और सोचता है यार ये कितनी काइंड है न जाने कैसे उसके वो वो जो स्किल्स हैं काम करते हैं कि हमारा रैट ट्रैप सेलर जो है वो तुरंत उसे हाँ कर देता है कहता है अरे मेरे को क्या पता था कि आप खुद ही आ जाओगे यहाँ पर मुझे लेने के लिए अरे आप आप क्यों आए आपने किसी और को भेज दिया होता एनी वे वो एक्सेप्ट कर लेता है उनका इन्विटेशन और फरकोट इन्विटेशन के साथ में फर कोट भी वो एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पे एकदम फर कोट पहन के ठाट बाट से निकल रहा होता है और जाता है सीधा सीधा कैरेज में बैठ जाता है फ्लैक्स में सोचता है यार इसके तो मज़े हो गए अभी आया था यहाँ पर सो रहा था और अब देखो फिर उसके बाद जब वो कैरिज में चल रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि हे भगवान मैंने क्या कर लिया मैंने क्यों वो तीस क्रॉनर चुराए चुरा के मैं उस फॉरेस्ट में गया फिर मैं यहाँ पर रामजो वर्क्स वर्क गया और अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ अब अगले ही दिन क्रिसमस ईव थी अब क्रिसमस ईव पे क्या होता है आराम से हमारा आयन मास्टर सोचता है कहता है यार कुछ ना कुछ तो इस इंसान का करना पड़ेगा यार मेरा दोस्त है ऐसे तो दरबदर रैट्रैप्स बेचता तो नहीं फिर सकता ये तो ऐसे में वो तो डिसाइड करता है कहते यार ऐसा करता हूँ कि पहले तो इसको थोड़ा खिला पिला कर इसके अंदर थोड़ा जान डालता हूँ और फिर ना इससे इसके ये रैट्रा वैट्रा वाला बिजनेस छुड़ा कर इसे इस अच्छी जॉब दिला देता हूँ अब जब वो ये सारी बातें डिस्कस कर रहा होता है एडला से तो एडला कहती है यार रात को जब मैंने पापा उसको देखा था मुझे तो एक पल के लिए नहीं लगा कि वो पढ़ा लिखा इंसान है मैंने तो एक बार नहीं सोचा कि ये पढ़ा लिखा है मेरे को तो उसको तो देख कर ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मतलब इसके अंदर तो कुछ एटिकेट्स कुछ स्किल्स है ही नहीं तो इतने में उसके पापा कहते तू तो यार जब वो ट्रैम्प वाले कपड़े हटाएगा ना अपने एकदम वापस सूट बूट पहनेगा तो उसके ट्रैम्प वाले मैनर्स भी चले जाएंगे फिर तू तो देखना मेरे दोस्त को अब जैसे वो ये कहता है इस जिस मिनट वो ये कहता है ठीक है जिस मिनट ये कहता है तो इतने में एंट्री हो जाती है किसकी एंट्री हो जाती है हमारे रैट ट्रैप सेलर की अब रैट ट्रैप सेलर को नीला दुला के शेव करके बाल वाल कटवा के एकदम बढ़िया सूट बूट में तैयार करके और सामने ला देता है वैली अब रैट ट्रैप सेलर को जैसे ही वो दोनों देखते हैं खास करके आयन मास्टर आयन मास्टर देखते हैं यार कल तो मैं रैट्रैप सेलर लाया था आज ये टॉम क्रूज कहां से आया वो एकदम से चौक जाता है और कहता है यार ये तो नील जलाफ नहीं है सीधा सीधा पूछता है कहता तुम कौन हो अब ऐसे में रायट्रैप सेलर को पता चल चुका है कि भाई उसके ये जो ड्रामा था ना ये ड्रामा एंड हो चुका है अब वो कुछ नहीं कर सकता इस पूरे ड्रामे से बस हो गया अब इसकी ऐश के दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं ठीक है तो अब जैसे उसने ये सोचा उसे रियलाइज हो गया बस यहाँ से भाग लेने के अंदर ही भलाई है उसने कहा सर मेरा क्या गलती है अरे मेरी क्या गलती है आप ही मेरे को बोले जा रहे थे नील जल नील जल मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो तो मैं तो आपके साथ आ गया तो इतने में आयन मास्टर ने कहा भाई तू इतना ऑनेस्ट भी नहीं था तू अगर तेरे को ऐसा था कि तू नील जुराफ नहीं था तो तू सीधा सीधा कहता कि तू नील जुराफ नहीं था तूने ऑनेस्टली आंसर क्यों नहीं किया अभी देख मैं पुलिस को बुलाता हूँ सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अब जैसे ही आयन मास्टर ने यहाँ पर पुलिस की धमकी दी तो बेचारे राट्रा अफसलर ने सोचा कि भाई इसकी तो हालत खराब हो रही है तो सेलर ने क्या किया अपनी फिस्ट अपनी मुट्ठी एकदम जोर से टेबल पर मारी और टेबल पर मार कर कहता है ओए मिस्टर आयन मास्टर कहता है ओ ए, मिस्टर मास्टर हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ पूरी दुनिया एक रैट रैप है और इस दुनिया के अंदर ये सारे जितने भी तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखती है ना ये सब टेम्पटेशन जो है ना ये बेट्स हैं और एक बार अगर तुमने इन्हें छू लिया तो तुम फंस जाओगे और कभी नहीं निकल पाओगे इनसे देख लेना तुम अब ये बात सुन के हेड मास्टर हंसने लग जाता है और कहता है चलो ठीक है शेरफ को नहीं बुलाते हैं पर निकलो तुम यहाँ से अब वो बेचारा यहाँ से निकल रहा होता है सोचता है जान बची तो लाखों पाए है ना तो वो बेचारा वहां से निकल ही रहा होता है इतने में एडला आ जाती है और एडला आकर कहती है पापा एकदम से सामने आ जाती है कहती पापा कहती यार पापा मेरे को इतना मजा आ रहा था मैं इतनी ज़्यादा तैयारियां कर रही थी सोच रही थी कि एक ऐसे इंसान के लिए जो पूरे साल बस भटकता रहता है चैन की नींद नहीं ले पाता खाना नहीं खा पाता हर बार इसे डर लगता है कि इसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी ऐसे इंसान को मैं अपने मैं अपने हाथों से खाना बनाकर और इतनी तैयारी कर कर इसका क्रिसमस इतना स्पेशल बनाना चाहती थी एक ऐसे इंसान को जिसको हमने क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया उससे हम हम उससे वो खुशी कैसे छीन सकते हैं पापा बहुत मनाया बहुत मनाया और आखिरकार उसके पापा ने हार मान ली उसके पापा ने कहा भाई तुम तो ना संतों से भी खतरनाक हो। होते ना बड़े संत महाराज होते एकदम प्रीच करते रहते हैं कहते तुम तो और खतरनाक प्रवचन देती हो कुछ भी कहो वो हार मान चुके अब हमारी एडला जो है वो लेकर जा चुकी है रैट्रैप सेलर को कहती है यहां पर बैठो और चुपचाप खाओ रैट्रैप सेलर खाना खाने पे फोकस कर रहा है, कहता है, मैं बटर पनीर पे फोकस कर लेता हूं वो आराम से खाना खा रहा है और खाना खाते खाते सोच रहा है यार ये एडला ने ऐसा किया क्यों मेरे साथ में मतलब क्यों वो ऐसा कर रही होगी वो ये सोचता है और जब वो ये सोचता है तो अभी उसके पास जवाब नहीं है क्योंकि उसने कभी ना ऐसी हॉस्पिटैलिटी काइंडनेस कम्पैशन दिखाने का बट एनी वे इसके बाद में वो पूरे टाइम किसी को भी परेशान नहीं करता किसी को भी परेशान नहीं करता क्योंकि पूरे के पूरे टाइम वो सोता रहता है और खाता देखो यहाँ से है एक्चुअली मुझे ना ऐसे पढ़ाने की आदत नहीं है बट आई एम ट्राइंग कि मैं स्लाइड्स ऑन रखूँ ठीक है तो यहाँ से देखो तो ये आराम से पूरे दिन बस खाता रहता है सोता रहता है ठीक है पूरे एक स्ट्रेच में तो बढ़िया सा फोरनून थोड़ी देर सो गया ठीक है फिर इसके बाद में वापस से उसे उठाया गया कहता है भाई क्रिसमस का खाना तो खा ले आया खाना खाया वापस जाके सो गया ठीक है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सालों से ये सोया नहीं है और इसको ना नींद जो है वो रैमज़ो में ही हासिल हुई है अब शाम को उसको उठा के लेके गया कहते हैं चलो भाई क्रिसमस ट्री जलाना है अब वो क्रिसमस ट्री की आँख एकदम लाइट उसकी आँखों में चुभ रही थी वो आया आकर वहां खड़ा हुआ और वापस से जाकर सो गया अब दो घंटों के बाद उसे वापस उठाया गया कहता है भाई अब खाना खा ले क्रिसमस की फिश और पॉरेज तेरे लिए तैयार है वो वापस आया आया और खाई उसने फिश और पॉरेज और खाने के बाद में अभी सब लोगों को गुड नाइट किया थैंक यू किया और गुड नाइट और थैंक यू के बाद में यहाँ पर ऑफ अफकोर्स सबने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए तो ऐसे में हमारी एडला ने उसे बोला बोला देखो आपने जो सूट पहन रखा है ना ये मेरे पापा की इच्छा है कि आप ना इसे एज अ क्रिसमस गिफ्ट रख लो और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी ऐसा लगे ना कि इस दुनिया के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई जगह नहीं है तो इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे यार ये बात सुन के वो एकदम से दंग रह जाता है वो सोचता है भई ये हो क्या रहा है ये लड़की बनी किस चीज से ये ऐसी कैसे है एनीवे anyway, वे अगली सुबह हमारे आयन मास्टर और आयन मास्टर की बेटी क्रिसमस सर्विस के लिए निकल चलते हैं चर्च की तरफ जहां उन्हें पता चलता है कि क्रॉफ्टर के घर पे चोरी हुई है और चोरी करने वाला इंसान और कोई नहीं एक रैट रैप सेलर है अब वो लोग वहां से वापस आ रहे होते हैं तो एडला का मुंह बेचारी का एकदम से लटका हुआ होता है वो अंदर से पता है ऐसा क्वेश्चन कर रही होती है खुद को क्योंकि क्या होता है ना आप जब किसी पे भरोसा करते हो और आपको वो भरोसा टूटता हुआ दिखता है तो आप डर जाते हो क्योंकि अब ना आप किसी और पे भरोसा नहीं कर पाओगे है ना एक जगह अगर आपका भरोसा टूटता ना तो किसी और पर भी भरोसा करने में डर लगता है एग्जैक्टली exactly वही यहां पर हो रहा था तो एडला जो है वो इस चीज को लेकर टेंशन में और उसके पापा उधर से उसे सुनाए जा रहे कह रहे देख ले मैंने कहा था तुझे तूने पता नहीं क्यों उस इंसान को घर में रख लिया अब देखना घर में भगवान जाने कितनी चांदी की चम्मच बाकी रही होंगी वो सब कुछ ले गया होगा वैसे कह के और वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जब वो घर पहुंचते हैं तो वो वाले से पूछता है उत्तर उत्तरता भी नहीं है है अभी पूरी तरीके से पूछता अरे वो वो रेट्रैप सेलर रेट्रैप सेलर कुछ लेके तो नहीं गया ना वो तो चोर उचक्का है पहले कहता है वो तो कुछ नहीं लेके गया बल्कि वो कुछ दे के गया है सामने एक पैकेट होता है जिसके अंदर रेट्रैप होता है तीस क्रॉनर होते हैं और एक चिट्ठी एडला उसे देख रो पड़ती है और वो उस चिट्ठी को पढ़ती है और देखो उस चिट्ठी में क्या लिखा था उस चिट्ठी में लिखा था ऑनर नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग बोला आप मेरे साथ इतने अच्छे थे पूरे के पूरे दिन एज इफ आई वॉज अ कैप्टन जैसे मानो मैं कैप्टन हूँ आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू मैं भी आपके लिए अच्छा होना चाहता हूँ इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन मैं वापस मैं भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरिस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बायी क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आज इस क्रिसमस के पर्व पे आप शर्मिंदा हो जाओ एक चोर की वजह से बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड पर मैं आपको मेरी सच्चाई बता देता हूं, मैंने रोड साइड से एक इंसान के घर से पैसे चुराए थे और ये जो पैसे है ये पैसे आप उसे लौटा दीजिए Who has the मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर wanderers? लगता है जैसे कि उसने अपने विंडो पे ये पैसे हम जैसे गरीब लोगों के लिए ही टंगाए हैं हमें ललचाने के लिए और ये उस की तरफ से है जो कि अगर एक कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता तो वो इस दुनिया के ट्रैप में फंस चुका होता आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया है तो ये मेरी तरफ से आपके लिए है बिकॉज इन दैट वे ही गॉड पावर टू क्लियर हिमसेल्फ और क्योंकि आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया मुझे अंदर पावर मिली अपने आप को क्लियर करने की मेरे अंदर वो पावर आई कि मैं अपने आप को यूरो रिडम्शन की ओर लेके जाऊँ मैं रिडीम करूँ अपने आप को बुरे रास्तों से रिटर्न विद फ्रेंडशिप एनहान बोन स्टे तो पूरे प्यार और फ्रेंडशिप से उन्होंने लिखा कैप्टन वोन्स टेल तो उन्होंने एज अ कैप्टन साइन किया बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड लाइक वन उन्हें कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया था एंड यू फेल्ट लाइक वन वो कैप्टन की तरह सोच रहे थे एंड इसके साथ में उन्होंने यहाँ पर वो कैप्टन वाली क्वालिटीज़ ही हमें दिखाई एग्जिबिट की है क्योंकि एज अ कैप्टन बड़ा दिल रख के बिल्कुल पैसे नहीं थे उनके पास बट फिर भी बड़ा दिल रख के वो पैसे वापस लौटाए ही डिड द राइट थिंग एंड नॉट ओनली दैट उन्होंने उनके पास में था क्या यार किसी के पास बहुत कुछ होता है उसमें से कुछ थोड़ा सा किसी को दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है बट हमारे ट्रैप सेलर के पास तो ले दे के रेट्राप ही था उसने तो वो भी दे दिया एज अ गिफ्ट तो उससे पता चलता है कि वो उसका दिल जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका था तो थीम यहाँ पर क्या है थीम है कि किस तरीके से सेकंड चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब कोई एक इंसान एक गलती करता है तो हम उसे सेकंड चांस नहीं देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदल जाएगा एक इंसान कैसे बदल जाएगा अगर हम उसे दूसरा मौका ही नहीं देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को माफ़ करना तभी उन्हें रिडम्पशन का रास्ता मिलता है इसके साथ में ये स्टोरी बताती है कि लव फ्रेंडशिप काइंडनेस कंपैशन के साथ में आप अगर किसी को ट्रीट करते हो तो वो भी बदल सकता है चेंज ऑफ हार्ट उसका भी हो सकता है तो ये थी आपकी स्टोरी द रैट ट्रैप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत ही मज़ेदार स्टोरी जो आपने आज मेरे साथ कवर की है अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं यू नो क्लोज़र टू योर बोर्ड एग्जाम्स वैसे वैसे हम और एक स्टेप क्लोज जाते जा रहे हैं सी यू ई टी के एंड क्योंकि हम सी यू ई टी के इतने करीब जा रहे हैं तो राइट नाउ इज़ द टाइम टू मेक अ चॉइस कि आप अपने करेक्ट टीचर्स के साथ में सी यू टी की प्रेपरेशन शुरू कर दें बिकॉज इट्स वेरी क्रूशल अपने टीचर्स को चूज करना कोर्सेस को चूज करना एंड वॉन्ट यू टू चूज तेजस्वी तेजस्वी बैच जिसमें लैंग्वेज और जीटी आप कंप्लीट करने वाले हैं मेरे साथ में और अगर आप इस बैच को सिलेक्ट करते हो तो आई कैन श्यो यू कि आप अपने ड्रीम कॉलेज अपने ड्रीम स्कोर को अटेन करोगे ही करोगे क्योंकि उसी तरीके से इस बैच को डिजाइन किया है दैट डजेंट मैटर कि आप कौन से लेवल पे हो अभी अपने लैंग्वेज प्रेपरेशन के पर इफ यू स्टार्ट दिस बैच देर इज नो गोइंग बैक आप इस बैच को शुरू कर दोगे ना तो इसको मेरे साथ में कंप्लीट जब तक करोगे यूल बी अ हीरो तो इस बैच के बारे में जरूर सोचिएगा और एनरोल करने के लिए लिंक्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एस डी सी एटीन मेरा कोड है अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट तो इस कोड को लगा लीजिए और आ जाइए तेजस्वी बैच में एक छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने करियर की तरफ और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके से सारे चैप्टर्स मेरे साथ कंप्लीट करने के लिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग